हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पीके कॉमर्स क्लासेस पर। चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली हमारे पॉइंट पे आते हैं और टॉपिक पे आते हैं, ताकि आप लोगों का भी किसी प्रकार का कोई टाइम वेस्ट नहीं हो। साथियों, अभी जो फिलहाल टेली की क्लासेस की जो एक श्रृंखला आप लोगों के लिए हम लोग बनाई है, तो उसी कड़ी में एक नया टॉपिक आज हम और जोड़ देते हैं। और उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगी। लेकिन साथियों, अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर आप ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे हमारे नए वीडियोज़ आते हैं वो तुरंत आप लोगों तक पहुँच सकें। ठीक है साथियों, अब हम टॉपिक की बात करते हैं। ओके, देखिए, पहले हमेशा की तरह हम एक प्रॉब्लम की बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है, और फिर उसके बाद में हम उसके सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। और आपको ये टॉपिक है, ये टेली प्राइम और टेली एआरपी दोनों में आपको बताया जाएगा, ताकि जो अभी टेली प्राइम के यूजर्स हैं उनके लिए भी ये टॉपिक और वीडियो यूजफुल रहे, और जो टेली आपके एआरपी के यूजर्स हैं तो उनको भी इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं, पहले हम उस ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे अभी आप जो है टेली प्राइम को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ओके, ऑन स्क्रीन। तो मोस्टली कई बार क्या होता है कि जैसे अभी हम एक बार यहाँ चलते हैं वाउचर्स में, ओके, एंट्री करने के लिए। तो अभी मैं एक एंट्री यहाँ पर करने वाला हूँ, और उसके बाद आपको आज के जो टॉपिक है हम उसकी बात करेंगे, ओके। जैसे अभी हम पेमेंट वाउचर में हैं फॉर एग्जांपल, और हम यहाँ पर कोई भी एक एंट्री करते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर परचेज किया, ओके, तो कंप्यूटर को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया, ओके। कंप्यूटर हमने परचेज किया 10,000 रुपीज़ का, उसके बाद पेमेंट हमने इनका कर दिया कैश। अब देखो, जैसे ये एंट्री सेव होती है, आपका कर्सर वापस रिपीट होके कहाँ आ जाता है, इस डेबिट कॉलम के ऊपर, यानी पर्टिकुलर पर डेबिट कॉलम पर आपका कर्सर आ जाता है। ठीक है, लेकिन अक्सर कई बार हम लोग देखते हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी कि ऐसा नहीं हो पाता। देखिए, मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर हम चलते हैं F12 में, ओके। अब F12 में एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, तो आज की हमारी जो क्लास है वो स्पेशली इस ऑप्शन के बारे में रहेगी। आप इसको जरूर नोट कर लें कि आज हम कौन सा ऑप्शन पढ़ने वाले हैं। F12 की बात कर रहे हैं पहली बात तो कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ लिखा हुआ है स्कीप द डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन, ओके। आप देख पा रहे हैं इस ऑप्शन को, और ये फिलहाल अभी के लिए क्या है, यस है। कई बार क्या होता है साथियों, जाने अनजाने में इस ऑप्शन को हम नो कर देते हैं, ठीक है। या तो ये पहले से नो होता है, मतलब जैसे आप किसी कंपनी को, आप किसी टेली को कहीं भी आप ऑपरेट करते हैं, और वहां पर ये ऑप्शन हो सकता है कि उस यूजर ने जो उसको यूज कर रहा है टेली को, उसने पहले से इसको नो कर रखा होगा, जानबूझ के किया होगा, या हो सकता है उससे अनजाने में हो गया होगा। लेकिन इसके नो होने से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, उसको आप समझने की कोशिश करें। अभी देखिए, मैं एक बार वापस यहाँ पर एंट्री करता हूँ। सपोज इस बार हमने यहाँ पर एक बिल्स पेबल है, उसका पेमेंट किया कितना, 100 रुपये का, या 1,000 रुपये का हमने पेमेंट कर दिया। पेमेंट कैसे किया, कैश। इस बार आप साथियों, आपको नोट करना है एक चीज़ को, कि जैसे ही एंट्री सेव होती है, साथियों जैसे ही ये एंट्री सेव होती है, ठीक है, तो क्या होगा, कर्सर जो है वो इस बार पर्टिकुलर कॉलम पर ना आके कहाँ चला गया, डेट कॉलम के ऊपर, डेट कॉलम के ऊपर, ठीक है। अब जैसे आप मान लीजिए एक नई एंट्री और यहाँ पर क्रिएट करते हैं, सपोज जैसे मान लीजिए अभी आपने दोबारा कंप्यूटर परचेज किया कितने का, 10,000 का, ओके, और पेमेंट आपने कर दिया कैश। अब जैसे ही एंट्री यहाँ पर ये एक्सेप्ट होती है, एक्सेप्ट का मैसेज आ चुका है हमारे पास में, और जैसे इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करेंगे, ये कर्सर वापस जो है वो कहाँ चला जाता है, अमाउंट कॉलम के ऊपर, ठीक है। और यदि F12 में हम बात करें इस ऑप्शन की, कौन से की, स्कीप द डेट फील्ड, स्कीप द डेट फील्ड ड्यूरिंग, ठीक है, वाउचर क्रिएशन, और इस ऑप्शन को हम वापस यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यस कर लेते हैं। तो यस करने के बाद क्या होगा कि जैसे बिल्स पेबल हमने पेमेंट किया 200 रुपये, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको एंट्री को सेव कर लेते हैं। जैसे इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो आपने देखा होगा अब क्या हुआ कि इस बार जो कर्सर है वो डेट कॉलम पर नहीं गया, ठीक है। और इस प्रकार यदि हम टेली एआरपी की बात करें, तो टेली एआरपी में भी क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में आप गए, पेमेंट वाउचर में, या किसी भी वाउचर को आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और हमने यहाँ पर सपोज जैसे मान लीजिए पेमेंट किया, ठीक है, फर्नीचर हमने परचेज किया 20,000 का, ठीक है, पेमेंट हमने कर दिया कैश, ओके। अब जैसे ही सेंटर को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो आप नोट करें इस चीज़ को
ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को हम नोट करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो हम टॉपिक क्लियर भी कर पाएंगे। तो जैसे एंट्री सेव हुई, कर्सर वापस रिपीट होके कहाँ आ गया, पर्टिकुलर कॉलम पर, यानी DR के सामने आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें कि F12 में जहाँ ये ऑप्शन सबसे ऊपर ऊपर आता है, देखो प्राइम में अलग आता है, एक बार हम वापस प्राइम में चलते हैं। प्राइम में तो क्या होता है कि आपको F12 में ये ऑप्शन सबसे ऊपर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, ओके, स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन पे। लेकिन यदि हम बात करें ERP की, तो ERP में F12 में ये ऑप्शन कहाँ होता है, सबसे ऊपर, स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन फॉर फास्टर एंट्री। अभी के लिए फिलहाल ये क्या है, यस। सपोज ये ऑप्शन नो होता, हमने कर दिया होता, ये हमसे नो हो जाता मान लीजिए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपके साथ में क्या प्रॉब्लम होती। जैसे अभी हम यहाँ पर एक एंट्री और कर लेते हैं, ठीक है, और हमने यहाँ पर प्रिंटर खरीदा, ठीक है, 5,000 रुपये का, और पेमेंट हम कर देते हैं इसका कैश। अब जैसे साथ ही ये एंट्री एक्सेप्ट होगी, सेव होगी, तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है, आपको अंदाजा लग गया होगा। अब इस बार हमने F12 में उस ऑप्शन को क्या कर रखा है, कौन से ऑप्शन को, स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन फॉर फास्टर एंट्री, जो F12 कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर सबसे ऊपर आ रहा था, उसको हमने इग्नोर कर दिया। तो अब जैसे इस एंट्री को हम सेव करेंगे, तो आपको अंदाजा हो गया होगा, क्या पता लगा कि इस बार कर्सर जो है वो यहाँ पर पर्टिकुलर कॉलम पर नहीं आएगा, ठीक है, तो कहाँ चला जाएगा, डेट फील्ड के ऊपर। ये देखिए कहाँ चला गया, डेट फील्ड के ऊपर। अब दोबारा जैसे मान लीजिए आप किसी प्रकार की कोई एंट्री करते हैं, जैसे आपने फिर यहाँ पर बिल्स पेबल पेमेंट किया, ठीक है, और जैसे इस एंट्री को आप एक्सेप्ट करेंगे, आप देख पा रहे हैं दोबारा कर्सर वापस कहाँ चला गया साथियों, इस पे डेट कॉलम के ऊपर। तो एक चीज़ तो आप ये समझ गए होंगे कि इस ऑप्शन को यस रखने से क्या होगा और नो रखने से क्या होगा। साथियों मैं एक बार फिर फाइनली यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, और हम प्राइम पे चलते हैं। यदि ये ऑप्शन यस है, आप नोट करें, इसको लिख लीजिए थ्योरी में, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो, स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन। साथियों यदि ये ऑप्शन यस है, तो क्या होगा कि आपका जो कर्सर है वो डेट कॉलम पर नहीं जाएगा, यानी डेट कॉलम को क्या करेगा, स्किप कर देगा, और डेट कॉलम को स्किप करके छोड़ के वो डायरेक्टली कहाँ आता है, पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर आता है। एक बार फिर हम एक बार समझने के लिए एंट्री कर लेते हैं। जैसे हमने एक बिल्स पेबल का एक पेमेंट किया, बिल्स पेबल का, और जैसे इस एंट्री को सेव करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि कर्सर डेट कॉलम पर नहीं गया, तो वो डेट कॉलम को क्या करता है, स्किप कर देता है, और डेट कॉलम को स्किप करके वो कहाँ आ जाता है, आपका पर्टिकुलर के ऊपर, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये ऑप्शन हमने नो कर दिया, या फिर हमसे नो हो जाता है, ठीक है, ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो क्या होगा कि जैसे आप किसी एंट्री को यहाँ पर बनाते हैं, किसी एंट्री को आप यहाँ पर सेव करते हैं, ये देखिए, तो एंट्री होने के बाद आपका कर्सर कहाँ मूव करता है, डेट कॉलम के ऊपर। आप किसी भी वाउचर में एंट्री करके देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप कॉन्ट्रा वाउचर में हैं, ठीक है, या आप रिसीट वाउचर में हैं, किसी भी वाउचर में आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एंट्री कर दी कमीशन के लिए, ठीक है, एक कमीशन हमें प्राप्त होता है 2,000 रुपये का, और डेबिट हम कर देते हैं यहाँ पर कैश को, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इस बार फिर आपका कर्सर जो है वो यहाँ पर्टिकुलर कॉलम पर मूव न करके आके, और वो कहाँ चला जाता है, डेट कॉलम पे चला जाता है। तो आई थिंक ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि इस ऑप्शन को यस करने से क्या होता है और नो करने से क्या होता है, ठीक है। एक बार फाइनली मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, यदि आप F12 कॉन्फ़िगरेशन में इस ऑप्शन को स्किप द डेट फील्ड, ठीक है, ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन, इस ऑप्शन को आप क्या रखते हैं, यस रखते हैं, आप नोट कर दीजिएगा, लिखिएगा चीज को, यदि आप इस ऑप्शन को यस करते हैं, तो क्या होगा कि आपका कर्सर डेट कॉलम पर नहीं आएगा, वो डेट कॉलम को स्किप करेगा, और कहां पे आ जाएगा, पर्टिकुलर कॉलम पर, ठीक है साथियों। और यदि उसको आपने नो कर दिया, किसको, ऑप्शन का नाम आप याद रखिएगा, स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन, जो F12 कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिलता है, और उस ऑप्शन को हमने क्या कर रखा है, यस कर रखा है, तो यस करने से तो क्या होगा कि वो डेट कॉलम को स्किप कर देगा और पर्टिकुलर पे आ जाएगा, और नो कर रखा है तो वो पर्टिकुलर कॉलम पर ऑप्शन ना आकर, कर्सर ना आकर कहाँ आ जाता है, डेट फील्ड के ऊपर आ जाता है। तो ये तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि इस ऑप्शन को यस करने से क्या होता है और नो करने से क्या होता है। अब साथियों मजे की बात ये है, जो आप लोगों के लिए काम की बात होगी, कि आप इस ऑप्शन को जो है यस रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। कारण क्या होता है, सपोज मान लीजिए एक दिन में आपको बैठे बैठे मान लीजिए 1,000, 2,000 या 200, 100, 200, 500 बिलिंग आपको करनी है, ठीक है, और हमें पता है कि हमें जितनी भी बिलिंग करनी है, टोटली बिलिंग किस में होनी है, 1 अप्रैल 2021 में, जो यहाँ पर फिलहाल डेट आ रही है,
हमें जितनी भी बिलिंग करनी है, जितनी भी हमें एंट्रीज करनी है, चाहे वो पेमेंट के लिए हो, रिसीट के लिए हो, कॉन्ट्रा, सेल्स, परचेज, एक्स वाई जेड, किसी भी काम को हम कर रहे हैं टेली के अंदर, तो हमें पता है कि हम टेली में जितना भी हम एंट्रीज करने वाले हैं आज, वो हम करेंगे 1 अप्रैल 2021 में, 1 अप्रैल 2021 में, ठीक है। तो हमें डेट तो चेंज करनी नहीं है ना, क्योंकि अभी फिलहाल हम जितना भी काम करने वाले हैं, जितनी भी हम एंट्रीज करने वाले हैं, बिलिंग करने वाले हैं, वो होगी 1 अप्रैल 2021 में, और हमें डेट चेंज करनी ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि यदि इस ऑप्शन को आप नो रख लेते हैं, आप नो कर देते हैं, तो क्या होगा कि आप बैठे बैठे दिन में जितनी भी आप काम करेंगे, जितनी भी आप एंट्रीज करेंगे, तो क्या होता है, कर्सर वापस आपका डेट कॉलम के ऊपर मूव करता है। अब होगा क्या कि आपको डेट तो चेंज करनी ही नहीं है ना, ठीक है, डेट तो आपको चेंज करनी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वापस एंटर बटन प्रेस करेंगे, वापस आप अपना काम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम कैश वापस आप एंट्रीज करेंगे, और क्या होगा, कर्सर वापस आपका कहाँ चला जाएगा, डेट कॉलम के ऊपर। तो आप थोड़ा सा विचार करके देखें कि आपको फिलहाल डेट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी बिलिंग आपको करनी है, परचेज की बिलिंग करनी है, सेल्स की बिलिंग करनी है, आपको पेमेंट के लिए आपको एंट्रीज करनी है, रिसीट के लिए आपको एंट्रीज करनी है, और अभी आपको डेट चेंज नहीं करना। 100, 200, 500, 1000 जो एंट्रीज है वो इसी डेट पे होने वाली है, या आज की जो प्रेजेंट की डेट है वो 1 अप्रैल 2021 है, तो इसको हम चेंज नहीं करना चाहते। तो इससे क्या होता है साथियों, कि यदि ऑप्शन नो रहा तो आप सोच के देखिए आपका कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको ये तो पता है, फिक्स है कि हमें डेट चेंज नहीं करनी, बट उसके बावजूद आपको क्या करना है, एंटर बटन करके यहाँ आना होगा, ठीक है। यहाँ आप अपनी एंट्रीज करेंगे, ये देखिए जैसे एंट्री सेव होती है वापस आपका कर्सर कहाँ चला गया, डेट कॉलम के ऊपर। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एंटर बटन प्रेस करके यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा, चाहे भले 1 सेकंड 2 सेकंड खराब हो रही हो, लेकिन हमारा टाइम तो खराब हो रहा है, हमारा टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना। वापस आपका कर्सर कहाँ चला गया, डेट कॉलम के ऊपर। तो आप चाहते हैं कि ये एंटर बटन हम जो प्रेस करते हैं, और हमारा जो 1 सेकंड का 2 सेकंड का जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो ना हो, और जब भी हम एंट्री करें तो वो डेट कॉलम को क्या करें, स्किप कर दे, डेट कॉलम को स्किप कर दे, और डायरेक्टली हमारा कर्सर कहाँ पे आ जाए, पर्टिकुलर कॉलम पे आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस ऑप्शन को यस रखना चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम वापस जो है F12 में चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर F12 में चलते हैं, और यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन। ओके साथियों, तो इस ऑप्शन को अभी हमने क्या कर दिया, यस कर दिया, ठीक है। अब हम जैसे हमारी कोई भी एंट्री यहाँ पर बनाते हैं और उस एंट्री को हम सेव करते हैं, तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि इस बार जो कर्सर है वो डेट कॉलम पर नहीं जाकर कहाँ जाएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर पर्टिकुलर कॉलम पर, यानी उसने डेट कॉलम को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, ठीक है। अब बात आती है कि सर वहां तो कर्सर आ ही नहीं रहा डेट कॉलम के ऊपर, तो डेट चेंज करनी हो तो कैसे करें। जैसे अभी हमने मान लीजिए एक एंट्री और यहाँ पर करी, ठीक है, एक बिल्डिंग हम परचेज कर लेते हैं, ठीक है, पेमेंट हम यहाँ पर कैश कर देते हैं, और जैसे इस एंट्री को सेव करेंगे तो हमारा कर्सर वापस कहाँ मूव होता है, मतलब कहाँ आ जाता है, पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर। तो बात यह आती है कि अब हमें डेट चेंज करनी हो तो साथियों, आप सभी को पता है आप डेली के यूजर्स हैं, और यदि आप नए यूजर्स हैं तो आपको नहीं पता, तो आप नोट कर लीजिए, डेट चेंज करने के लिए हमारे पास एक की होती है, एक बटन होता है, कौन सा, F2। तो F2 बटन प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, डेट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर 1 दिसंबर में एंट्री करनी है, तो ये देखिए डेट चेंज हो चुकी है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 आ रहा था डेट, अब 1 दिसंबर 2021 आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो, आप जैसे एंट्री फिर वापस यहाँ पर करेंगे, मैं एंट्रीज वापस इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो 100% आपको क्लियर हो सके, ठीक है। तो कर्सर अब वापस देखिए, वापस कहाँ आ गया, पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर, तो डेट कॉलम को तो उसने स्किप कर दिया। तो अब जब तक आप डेट चेंज नहीं करेंगे, डेट यहाँ पर कितनी रहेगी, 1 दिसंबर रहेगी, और ये परमानेंट सेट हो गई है, जब तक आप चेंज नहीं करेंगे डेट चेंज नहीं होगी। लेकिन कई ऐसे यूजर्स हैं, साथी ऐसे भी हैं जो देखिए किस प्रकार से काम करते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देना, और यहाँ उनको बड़ी समस्या होती है। क्या समस्या होती है, जैसे अभी 1 दिसंबर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और मैंने 1 दिसंबर में यहाँ पर कोई एंट्री कर दी, एंट्री से हो गई, तो अब वो ऑप्शन नो है, और नो होने की वजह से कर्सर आपका कहाँ चला जाता है, डेट कॉलम के ऊपर, राइट। इतना तो आप समझ गए ना, 100% क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट, कहाँ चला गया कर्सर, डेट कॉलम के ऊपर। सपोज साथियों, मुझे यहाँ पर एंट्री करनी है 1 जनवरी, ठीक है, 2022 में।
अब जैसे मैं यहां पर डेट चेंज करूंगा तो डेट चेंज तो हो गई। आप देखिए यहां पर पहले 1 दिसंबर था और 1 दिसंबर से मैंने यहां पर डेट चेंज कर ली 1 जनवरी। लेकिन साथियों डेट चेंज करने के लिए मैंने इस बार F2 बटन यूज नहीं किया है। डेट चेंज करने के लिए मैंने F2 बटन यूज नहीं किया है। मैंने क्या किया, यहां जब हमारा कर्सर आ रहा था डेट कॉलम के ऊपर उससे मैंने डेट को चेंज कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। अब देखिए जैसे हम एंट्री करेंगे और जैसे हमारी एंट्री सेव हो जाएगी, देखिए क्या होने वाला है साथियों, आप नोट करके देखिएगा। यदि इस चीज को आप आज समझ पाए तो आज की क्लास और आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए अभी 1 जनवरी था, वापस क्या हो गया, जो लास्ट प्रीवियस जो डेट थी पहले की जो डेट जिसको हमने F2 से सेट किया था, वो डेट जिसको हमने F2 बटन से चेंज किया था वो डेट वापस रिपीट हो गई। सपोज अब यहां पर मैं जैसे 2 जनवरी में एंट्री कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए आप थोड़ा सा नोट करके देखना, यहां पर मैंने 2 जनवरी 2022 यहां पर डेट लिख रखी है, ठीक है। और जैसे मैं एंट्री को सेव करूंगा तो आपने अब नोटिस कर लिया होगा क्या होने वाला है, ये देखिए वापस 1 दिसंबर आ रहा है। और कई बार क्या होता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते, सपोज अभी 2 जनवरी है, हम काम कर रहे हैं 2 जनवरी में, लेकिन यहाँ तो 1 दिसंबर आ गया ना, और ये क्यों हो रहा है, 2 जनवरी से वापस पीछे क्यों आ रहा है ये, क्योंकि हमने F2 बटन यूज करके जो डेट हमने फाइनली फिक्स करी थी F2 से वो करी थी 1 दिसंबर, ठीक है। अब 2 जनवरी था लेकिन 1 दिसंबर आ गया, और क्या होता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कई बार, मान लीजिए जल्दी में काम करते हैं या बहुत सारा काम हमें करना होता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि करंट डेट मान लीजिए 2 जनवरी है, ठीक है, और 2 जनवरी में हमें एंट्रीज करनी है, लेकिन हमने तो यहाँ पर डेट इस तरीके से चेंज करी ना, और हम भूल जाते हैं और वो 2 जनवरी की एंट्री बाई मिस्टेक गलती से कई बार उस डेट में हो जाती है जिस डेट में हम नहीं करना चाहते, ठीक है। हो सकता है 1 दिसंबर में भी हो जाए, आप डेट चेंज ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो दूसरी बात ये भी तो होती है ना कि आप यदि यहां से डेट चेंज करते हैं तो हर बार आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने यहाँ 2 जनवरी वापस कर दिया है, ठीक है, ये आप देखिए, और जैसे मैं एंट्री सेव करूंगा ये फिर आपका 1 दिसंबर 2021 हो जाएगा। प्रॉब्लम तो हो रही है ना यहाँ पर, फिर मैं 2 जनवरी यहाँ करूंगा, ठीक है, फिर मैं अमाउंट यहाँ पर लिख के और एंट्री को सेव कर दूंगा, 2 जनवरी के बाद वापस 1 दिसंबर। तो साथियों आप अब गौर करके देखिए कि यदि आपको 2 जनवरी में ही काम करना है, 2 जनवरी में ही काम करना है, और मोस्टली जो बिलिंग आपको आज करनी है, जो आपको एंट्रीज करनी है, वो 2 जनवरी में करनी है, तो आप कितनी बार यहाँ पर डेट चेंज करेंगे, पॉसिबल तो नहीं है ना, मतलब टाइम तो वेस्ट हो जाएगा ना, कहने का मतलब, ठीक है। डेट तो आप चेंज कर सकते हैं, पॉसिबल है, जितना आप चाहें उतनी बार करें डेट, लेकिन आप इस चीज़ को भी तो नोट करें कि कितना ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम बार बार यहाँ पर आके 2 जनवरी 2 जनवरी करते रहेंगे, और यदि करना भूल गए तो बाई मिस्टेक 2 जनवरी की एंट्री किसी और डेट में हो जाती है। तो इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना है, आपको यदि डेट चेंज करनी है वाकई में, ठीक है, तो आप F2 बटन से डेट चेंज करें। अभी जैसे मैं यहाँ पर 2 जनवरी ले लेता हूँ, किससे, F2 से। और अब यदि मैं कोई एंट्री यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, तो आप देखिएगा कि जैसे एंट्री सेव होती है अब यहाँ पर 2 जनवरी ही रहेगा, 2 जनवरी ही रहेगा, क्योंकि आपने F2 जो डेट चेंज करने की होती है उस की को आपने यूज किया है, उससे आपने डेट को चेंज किया है। तो जब तक अब आप डेट चेंज नहीं करेंगे ये 2 जनवरी ही रहेगी। सपोज मैं यहाँ पर 1 फरवरी में एंट्री कर देता हूँ, और मैंने जो 1 फरवरी यहाँ पर डेट चेंज किया है वो F2 से नहीं किया साथियों, वो F2 से नहीं किया, डायरेक्टली मैंने यहाँ पर डेट को लिखा है डेट कॉलम के ऊपर। तो जैसे एंट्री एक्सेप्ट होगी, सेव होगी, आप देखिए वापस डेट वही 2 जनवरी 2022 आ जाती है, ठीक है। अब चलो 2022 आ रही है, लेकिन मैं अब मुझे मान लीजिए 2 जनवरी को बहुत सारी एंट्रीज करनी है, मोस्टली मेरा जो आज का काम है वो 2 जनवरी में, आपका जो काम है वो 2 जनवरी में है, तो कर्सर यहाँ डेट कॉलम पे आता है, फिर आप एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर आपको जो भी अपना काम करना है वो आप काम करेंगे, लेकिन क्या होगा, कर्सर वापस आपका कहाँ चला जाता है, डेट कॉलम पर। तो अब आप ये चाहते हैं कि कर्सर डेट कॉलम पर ना जाए, डेट कॉलम को हम स्किप कर दें और डायरेक्टली कहाँ जाए, पर्टिकुलर कॉलम पे। तो साथियों अब आप शायद समझ गए होंगे अच्छे से फाइनली कि अब आपको इस ऑप्शन को क्या कर लेना चाहिए, यस कर लेना चाहिए, ठीक है। और यस करने के बाद जैसे हम इसमें कोई एंट्री बनाते हैं, कोई भी एंट्री हम करते हैं, तो हमारा कर्सर इस बार डेट कॉलम पे नहीं जाएगा, डेट कॉलम को स्किप कर देगा और कहाँ आ जाएगा, पर्टिकुलर कॉलम के नीचे।
ठीक है। तो ये था हमारा आज का एक शानदार एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ चुका होगा आपको। और टेली एआरपी के जो यूजर्स हैं उनके साथ भी ये ऑप्शन होता है, टेली एआरपी में भी ये ऑप्शन होता है, तो वो भी अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको ऑप्शन यूज़ करना है। ठीक है, बस ऑप्शन जो है उसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, F12 में ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एआरपी की बात करें तो स्किप डेट फील्ड जो ऑप्शन आपका है वो सबसे ऊपर टॉप में होता है। और इस ऑप्शन को यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आपको ये चीज़ और भी समझ में आ जाएगी, स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन फॉर फास्ट एंट्री। यानी जो यूजर्स ये चाहते हैं कि हमें एंट्री को फास्ट करना है, क्योंकि बार बार यदि आपका कर्सर डेट कॉलम पर आता रहा और आप डेट कॉलम से एंटर बटन प्रेस करके पर्टिकुलर कॉलम पे आते रहे तो कहीं ना कहीं आपका जो टाइम हो चाहे थोड़ा सा वेस्ट हो लेकिन वेस्ट तो होता है। ठीक है, ठीक। तो आप इस ऑप्शन को जो है साथियों हमेशा यस रखें। और यदि आपको डेट चेंज करनी है तो मैंने आपको बता दिया है, सजेशन मैंने आपको दिया एक छोटा सा, यदि आप उसको मान लेते हैं स्वीकार कर लेते हैं कि आप यहाँ पर डेट यहाँ से चेंज कभी ना करें, यहाँ जो डेट कॉलम आपका आ रहा है यहाँ से डेट चेंज ना करें, क्योंकि यहाँ से डेट परमानेंट चेंज नहीं होती है। जैसे आप एंट्री को सेव करते हैं वापस पीछे वाली डेट जो आपने F2 से सेट की थी वो रिपीट हो जाती है। ठीक है, और वैसे भी यदि आप F12 कॉन्फ़िगरेशन में इस ऑप्शन को क्या रखते हैं, यस रखते हैं, तो आपका कर्सर डेट कॉलम पे आएगा ही नहीं, डेट कॉलम पे आएगा ही नहीं कर्सर, ये आप ध्यान रखें। ये देखिए, अब आप समझ गए होंगे वो कर्सर आपका डेट कॉलम पे गया ही नहीं है। और इस सिचुएशन में यदि आपको डेट चेंज करनी भी पड़ी तो आप किसे डेट चेंज करेंगे, F2 बटन यूज करके आप डेट को चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो एक शानदार एक छोटा सा टॉपिक आज आप लोगों के लिए मैंने रखा है, आपने बहुत कुछ इससे सीखा भी होगा। फिर भी बाय द वे किसी भी यूज़र को अभी भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, उसके किसी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम है तो अपने प्रॉब्लम को अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखे, उसका जो है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो जल्दी ही मिलते हैं एक नया एक शानदार टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय बाय।